देख रहे हैं दी घंटा। दोस्तों, इस देश में जब कोई अपने हक की बात करता है, जब कोई रोजगार की बात करता है, तो तमाम तस्वीरें आपने पहले भी देखी होंगी, ऐसी वीडियोस, ऐसी खबरें देखी होंगी जहां पर किस तरीके से रोजगार मांगने वालों पर डंडे बरसाए जाते हैं, अपने हक की बात करने वालों को किस तरीके से उनकी आवाज दबाई जाती है, पुलिस उठाकर उनको जेल में डाल देती है। वहीं मैं आपको बता दूं कि ये देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम नेता एक स्लोगन लेकर हमेशा सामने खड़े हो जाते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप स्लोगन ये आपने तमाम जगहों पर पोस्टर, बड़े बड़े पोस्टर लगे देखे होंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तमाम ट्रक के पीछे लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या महज ये सिर्फ बोलने की बातें रह गई हैं या महज ये सिर्फ एक स्लोगन रह गया है? मैं आपको बता दूं कि लखनऊ से एक खबर निकलकर सामने आई है, उसकी वीडियो को देखने के बाद, लखनऊ से जो वीडियो निकलकर सामने आ रहा है, जो कि सोशल मीडिया पर भी वायरल है, जिस पर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, जो बार बार सोचने पर मजबूर कर रहा है कि वाकई इस देश में अपनी आवाज उठाना गुनाह है। और जिस देश में बेटियों के सम्मान की बात करी जाती है, बेटियों के अधिकार की बात करी जाती है, महज चुनाव जीतने के लिए, महज अपनी पार्टी को अच्छा दिखाने के लिए, ना कि बेटियों के हक की लड़ाई के लिए, किस तरीके से सरेआम बेटियों को घसीटा जा रहा है, किस तरीके से पुलिस अपनी बर्बरता दिखा रही है, किस तरीके से पुलिस का अलग ही रूप महिलाओं के साथ देखने को मिल रहा है। लखनऊ से एक खबर निकलकर सामने आई जब 69,000 शिक्षा भर्ती को लेकर तमाम वहां के अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया बीजेपी कार्यालय के बाहर। बीजेपी कार्यालय के बाहर जब अभ्यर्थी जो हैं वो प्रदर्शन करते हैं, उस वक्त जब पुलिस को सूचना मिलती है तो पुलिस वहां पहुंच जाती है, और जब पुलिस वहां जाती है तो किस तरीके का नजारा होता है, किस तरीके से अपनी बर्बरता का फिर से एक बार प्रूफ देती पुलिस नजर आती है। एक नजर इस वीडियो पर डालिए और देखिए कि किस तरीके से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करती हुई पुलिस नजर आ रही है। एक नजर इस वीडियो पर। देखा आपने इस महिला को किस तरीके से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। जी हाँ, और ये नए हिंदुस्तान की तस्वीर है। इसी तस्वीर से मुंह मोड़ने के लिए तमाम जातिवाद, धर्म युद्ध, तमाम तरीके की चीजें करी जा रही है। मैं आपको बता दूं कि एक नजर इस वीडियो पर डालिए और इस वीडियो को भी देखिए कि प्रधानमंत्री और बीजेपी किस देश की कल्पना करते हैं, और जब उस देश की कल्पना से विपरीत चीजें होने लगती हैं, उसके बाद इसी तरीके से अभ्यर्थियों को, बेरोजगारों को मारा पीटा घसीटा जाता है। लेकिन जिस हिंदुस्तान की उम्मीद बीजेपी और प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो कैसा हिंदुस्तान चाहते हैं, एक नजर युवाओं की इस वीडियो पर डालिए। I'm gonna make it.
देखा आपने, हवाओं में हथियार, जय श्री राम के नारे, जातिवाद, धर्म, इसी को लेकर ही पूरी राजनीति खेली जा रही है। लेकिन जब बेरोजगार अपनी आवाज उठाता है, उस वक्त किस तरीके से उन्हें घसीटा जाता है, ये आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। आपके सामने हिंदुस्तान की दो तस्वीरें हैं, जिस पर एक तरफ सरकार अपना मुंह मोड़ती नजर आती है, जहां पर पुलिस उपलब्ध है, पुलिस वहां मौजूद है, और उसके बाद भी युवा किस तरीके से गुंडागर्दी दिखा रहा है, पुलिस कुछ नहीं कह रही, क्योंकि युवा सरकार का काम आसान कर रहा है। वही युवा जब सरकार से कुछ मांग रहा है तो उसे किस तरीके से घसीटा जा रहा है, ये वीडियो भी आप देख पा रहे होंगे। और इन दो वीडियोस में आप अंतर समझ सकते हैं कि इस देश के युवा को कहां ढकेला जा रहा है। और युवा जब अपने हक की लड़ाई लड़ता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये ट्वीट सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के ट्वीट इसे लेकर किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव क्या ट्वीट करते हैं, पहले अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर नजर डालिए और देखिए कि अखिलेश यादव जो एक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, अखिलेश यादव जो अपने घर की परिवार की उलझनों में उलझे हुए हैं, उसके बाद भी अपनी राजनीति में भी उनकी निगाहें टिकी हुई हैं, और देखते हैं बाकायदा जिस तरीके से बीजेपी अपना छलावा छल रही है, उस छलावे की पोल हमेशा खोलते हैं। एक नजर अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर। अखिलेश यादव लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की चुनावों में येन केन प्रक्रूर अपनी पुनः नियुक्त हो जाने के बाद लखनऊ में अपनी नियुक्त पत्र की मांग कर रहे बेरोजगार महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार भाजपा सरकार के छल और नारी विरोध सोच को दर्शाता है। घोर निंदाई, भाजपा के लिए नौकरी वादा नहीं छलावा है, ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। बताया है कि लखनऊ में किस तरीके से अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया, अभ्यर्थियों ने किस तरीके से धरना प्रदर्शन किया बीजेपी दफ्तर के बाहर, उसके बाद पुलिस आकर कैसी बर्बरता दिखाती है। महज नौकरी देना, महिलाओं की सुरक्षा का वादा करना, महिलाओं को पढ़ाना, बीजेपी का सिर्फ एक छलावा है। और अखिलेश यादव भी नहीं, तमाम लोग सोशल मीडिया पर इसको लेकर बातें कर रहे हैं और करेंगे, ट्वीट करेंगे ही, सोच रखेंगे ही, क्योंकि देश में क्या हो रहा है ये देश के नागरिकों को समझना बहुत जरूरी है, वरना देश कहां जा रहा है। बिजली गायब है, देश में महंगाई चरम सीमा पर है, जिस तरीके से बेरोजगारी दर बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से युवा आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है, और अब युवा जब सड़कों पर आ रहा है तो उसे जेल में डाला जा रहा है। आप एक नजर आशुतोष के इस ट्वीट पर डालिए, जो लिखते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने 6800 पदों की मांग को लेकर घेरा बीजेपी कार्यालय, पुलिस ने हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा। वहीं शैलेंद्र जो हैं वो ट्वीट करते हैं कि नौकरी के लिए सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं है, हिम्मत होनी चाहिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, इस सारे सिस्टम से लड़ जाने की, बाकी राम राज्य तो आ ही गया है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यही लोग नहीं है जो इस चीज को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, इस इन वीडियोस को रीट्वीट कर रहे हैं, ताकि लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि किस तरीके से इस देश में अपनी आवाज उठाना और बेरोजगारों का अपना हक मांगना एक गुनाह हो गया, जहां पर देखा गया कि पुलिस किस तरीके से अपनी बर्बरता का सबूत दे रही है। विष्णु लिखते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में खुद सरकार के मंत्री व अधिकारियों ने मिलकर चोट कटाई की, दलित व पिछड़ों के साथ आंदोलन होने के बाद स्वीकार भी कर लिया कि 6800 विसंगत को, और जब यही दलित पिछले 6800 संयुक्त की मांग कर रहे हैं तो ऐसी बर्बरता, कहां मर गए दलित पिछड़ों के हितेशी नेता। तो ये विष्णु ट्वीट करते हैं, और तमाम विष्णु ही नहीं, तमाम लोगों के मैंने आपको ट्वीट दिखाए, मैंने आपको विपक्ष का ट्वीट भी दिखाया, तमाम जो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, जो देश की हर एक भूमिका पर नजर रखते हैं, तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं, और इसको लेकर जिन लोगों ने ट्वीट किया है आपने देखा, कई लोगों ने सवाल किया है, जैसे विष्णु पूछ रहे हैं कि जो दलित के साथ हमेशा खड़े होने का वादा करते हैं नेता, अब वो कहां गए। वही मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके की परिस्थिति आप इस वक्त देख रहे हैं, मैंने आपको दो वीडियोस भी कंपेयर कर दिखाए, आपने भी इस चीज को देखा होगा कि पिछले वक्त से अब तक कितने ज्यादा मामले बढ़ते जा रहे हैं, हिंसा बढ़ती जा रही है, हिंदू मुस्लिम को लेकर विवाद बढ़ते जा रहे हैं।
लेकिन वहीं जब बेरोजगारी की बात होती है तब ही क्यों पुलिस का डंडा उठता है, तभी ही क्यों सरकार ऐसी फॉर्म में नजर आती है। क्या महज हिंदुस्तान में अब गरीब बेरोजगार के ऊपर ही अत्याचार होगा? लेकिन वही जब बजरंग मुनि जैसे लोग और तमाम ऐसे लोग जो हिंसा भड़काने का काम करते हैं, देश में जिस तरीके का उत्पात मचाते हैं, उनके लिए पुलिस कितनी देरी करती है, कितनी मोहब्बत से बात करती है, लेकिन इन्हीं बेरोजगार जो लोग हैं, अपने देश का युवा जो देश को आगे ले जाएगा, उसके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद और जो स्लोगन भारतीय जनता पार्टी देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर कितना काम हो रहा है इस वीडियो को देखने के बाद, और महिलाओं की सुरक्षा का जो दावा भारतीय जनता पार्टी करती है और बीच चौराहे पर महिलाओं को घसीटा जाता है, पीटा जाता है, इन तमाम चीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर पेश करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कच्चा। धन्यवाद।